वानर राज बाली की पत्नी तारा देवी राजनीति के बहुत अच्छा जानकार रही थी। वो राजनीति ला बहुत अच्छा तरीका से समझे। अब वानर राज बाली के साथ में जब वनवास हो रही थी ना श्री रामचंद्र जी महाराज ला, तब भेंट हो थे। वानर मन के राजा रही थे सुग्रीव के भाई, ऐसा वानर राज बाली के पत्नी हरे तारा। वो जो राजनीति के बारे में जब बात ल करे तो एक लाइन में ही समझा दे कि ऐसे काबर हुई। कई थन बात होते ना जला हम समझ ना समझा नहीं पान, पर माता तारा जो है वो अपन बात ला ठोस तरीका से रखे। ओहर अपन बात ला जब रखे ना तो अच्छा अच्छा राजनीति के मन की बात हर झूठ हो जाए, फैल हो जाए। ऐसा राजनीति के अच्छा जानकार वो अपन समय समय पर अपन पति के बाली के बहुत मदद भी करे, खबर जानकारी वैसे रखे होगा। भगवान राम जी और सुग्रीव के जब मैत्री जब होते तो बाली के जो पत्नी है माता तारा वो कही थे कि सुग्रीव और आज राम के जब दोस्ती हो गई मैत्री हो गई तो काकल पर काकर बल में तो महल के आगे में आके गरजत रही थी। और महल के आगे में आके ही गरज थे कबर सुग्रीव और बाली दोनों भाई हरे, पर दोनों एक दूसरा ला दुश्मन समझते, एक दूसरा पर हर हमेशा अस्त्र शस्त्र उठाए ही रहते। सुग्रीव जब बाली के महल के सामने में आकर के गरज थे तो जब भी गरज थे ना तब भी माता तारा हर बाली ल बता थे कि ये काबर गरज थे और काकर बल में गरज थे। माता तारा ने यहाँ पे समझ में आ जाते कि ये सुग्रीव काबर गरज थे। तेकर से थी तो क्षिति जल पावा गगन समीरा, देखते कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु ये अधम जो शरीर रचे गए है उनमें इतना बल है कि ये जो सुग्रीव है वो आकर के आज तो द्वार में गर्जत है। माता हर जाना थे, माता तारा जो है वो जाना थे कि काकर बल में गर्जत है। वो परमेश्वर ल जानते, अब परमेश्वर ल जाने के साथ में जब देखते कि सुग्रीव गर्जत है तो तारा बिकल देखी रघुराया व्याकुल। जब देखते ना तो श्री रघुनाथ जी भी ओला ज्ञान देते और ओकर माया ओकर अज्ञानता लहर लेते। खबर बहुत अच्छा जानकारी है, जानकारी के अभाव में कभी कभी हम मनहर बहुत कुछ गलती लगकर डरते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा जानकारी है। राजनीति में साम दाम दंड भेद ला जे जानते ओला अच्छा जानकार कही थी। और आज यहाँ जो हुआ थे बाली और सुग्रीव के बीच में ये राजनीति ही है। खबर की ये दोनों भाई के लड़ाई है और दोनों भाई के एक आसन के लड़ाई है। वो बोला थे कि मैं राज करूं और वो बोला थे कि मैं राज करूं। आज भी हमारे आसपास में कई जन मिल जाते जो कुर्सी के दौड़ लगाए पर हमारे आसपास में रहती। वो समय में भी ऐसी होती रही से भी जब सुग्रीव अब बाली के ये सब बात हर होते तो माता तारा हर समझ जाते कि ये परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त है। तेकर से थी तो पंच रचित अति अधम शरीरा और प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, ये शरीर जो है खिला माता हर समझावत है ना बाली का। खबर की वो यहाँ बताना चाहते भी कि लड़ भीड़ मत, अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी है श्री राघवेंद्र सरकार वो जो है उकर से लड़ना बहुत मुश्किल है। उकर से लड़ना मतलब अपन आप के पतन करना है ऐसे। औ माता तारा के जो जीवन है ना वो आसक्ति के रुकने की से माता तारा जो है आज आसक्ति पर जाने जाते और आसक्ति का है संसार की ओर ले जाते और भक्ति का है भगवान की ओर ले जाते।
ऐसा माता तारा जो है वो आसक्ति स्वरूप में अपन पति के रूप में आसक्ति लचा तारा है। एक ऐसे पात्र है जो श्री रामचरित मानस में सिद्धि जल पावक गगन समीरा और पंचरति अति अधम शरीरा। भगवान जब बोलते ना तो सिर्फ दो लाइन में माता तारा समझ जाते, ज्यादा समझाए की जरूरत नहीं पड़े। अब काबर पड़ी ज्यादा समझाए की जेकर कर जानकारी अच्छा रही देला। और तेकरे से ती तो बोलते ना तारा विकल देखी रघुराया और दिन न ज्ञान हरी लिनी माया। ऐसन माया की जो बात है वे और ज्ञान की जो बात है ते लता रहा बहुत अच्छा से समझते। वो जो जीव नित्य है जेकर पर वो रोत है जेकर बहुत ओकर मन में उदासीपन है ऐसन ल छोड़ के भगवान के श्री चरण में अपन मन ला लगा थे, भगवान के चरण में ही लगे रहते। तेकर स्थिति तो ओला परम भक्ति के वरदान भी मिले रही थे। ऐसन माता तारा जो है बहुत ही जानकार महिला है। आज एक महिला जब अपन जानकारी ल विस्तृत रूप में दिखाना चाहते तो वो तारा बन जाते। घर से बाहर जब निकल के कोई महिला काम ल करते तो ओला पूरा संसार के बारे में जानकारी जरूरी रखे। और नहीं जानी तब अब हमला यहाँ से खैरागढ़ जाना है और खैरागढ़ जाए पर हम जब यहाँ से निकले हैं तो हमला पता च नहीं है कि कौन कौन गांव पड़ी है। तो का पता हम नहा डहन लोहारा डहन के रोड में चल देवो और लोहारा डहन जाबे तो हमने अपन मार्ग से भटक गए भटक भी इतनी खैरागढ़ ही जाना है आपला पर जावत कहा हस लोहारा रास्ता दोनों ढहन है यहू ढहन रोड है वहू ढहन रोड है पर जरूरी नहीं है कि तोर यही जो मार्ग में चलना है वो यही मार्ग है। सज्जनों आज ये दुनिया में आज ये संसार में हम यदि देखन तो एक रुपया के मोल रही थे हर चीज में, एक रुपया में 75 पैसा जो रही थे वो अच्छाई रहते और जो 25 पैसा है वो बुराई रही थे। पर इंसान जो है वो 75 पैसा के पीछे में भागे लग जाते और 25 पैसा लग छोड़ देते। और जब छोड़ देते ना तो वो जो छोड़े रहते 25 पैसा ते वो कर पीछा करते हुए आते। अब इंसान बुराई लग ज्यादा अपना थे। अब राजनीति में तो आज 75 और 25 के कोई रेशियो नहीं है। 10% व्यक्ति मन हर आज राजनीति ला अच्छा समझ के चलते। अब नहीं तो 90% जो व्यक्ति है ना वो सिर्फ साम दाम दंड भेद चाहे जो हो जाए ये हो जाए वो हो जाए पर एक कुर्सी मूल मिलना चाहिए करते कही थे कि नहीं कहा है। आवन देव अभी चुनाव ला ये समसामायिक बात है हमर मन के बीच की बात है। आज एक बहुत मुख्य कारण बन जाते राजनीति है लड़े और भिड़े पर। अब ये कुर्सी के दौड़ उसने छरे। आज माता तारा के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे ना वो राजनीति संबंधित है। वो राजनीति के बहुत अच्छा जानकार रही से एक कुर्सी लपाए पर अगर कोई राजनीतिज्ञ है वो कितना दौड़ लगा था अपन तन मन धन। कई जन तो इतन भी देखे हैं जे मन अपन खेत खार बेच के भी चुनाव लड़ते आज। और कई जन ऐसे रही थे जेमन हा कुर्सी के मोह में और कुर्सी लपाए के बाद में वो जो घमंड आ जाते और अभिमान आ जाते उकर बाद में जे देह तोला का दे वोट देह तो भुला जाते। ऐसा प्रजा मन ला भुला जही तो का हुई हस्त होकर बाली जैसे तो ही बाली के का हुई साज प्रजा ला छोड़ दी। अब प्रजा ला छोड़े के बाद में शक्ति स्वरूप होकर कर माता तारा भी तो है ओकरो बात ला नहीं सुनी और ओकर बात ला अगर सुन लेतीस तो सुनतीस ना तो ओकर ऐसा टाइप के हर्ष नहीं होतीस। तेकर से ती सज्जनों आज छोटे से भी यदि चुनाव होते या कुछ भी होते ना तो अपन मान मर्यादा उस सज्जनता ला मत छोड़ो। काबर की अगर हम सब के हृदय में अगर घमंड हम आगे तो वो का रहे
घमंड अभिमान का हरि दुष्ट रावण हरि। और दुष्ट रावण के व्याख्या में नहीं आप कर सकते हो अच्छा से, वो अभिमान के एक पक्का प्रमाण हरि। अगर काकरो हृदय में अभिमान आगे ना हम से हम ल छोड़ के मैं आगे, तो जेकर मन में मैं आगे आगे मैं तो वो तो गए होकर पतन निश्चित हो जाते। कानी ही से आज लंका के रावण करा सोना के लंका, बड़े बड़े भव्य राजमहल, रक्षक सेनापति सोना चांदी हीरा जवाहरात आज होकर कर सब रही से, पर काले डूबी एक अहंकार वाले डूबी। अहंकार अगर होकर मन में नहीं रतीस तो डूबतीस का नहीं डूबतीस। रावण ला प्रकांड पंडित कहेगी, ओला ज्ञानी कहेगी, काबर कहेगी, ओला शास्त्र के अच्छा ज्ञान दी से, ओ विद्वान कहलाए, प्रकांड पंडित काला कही थे। आज हमर मन के बीच में भी महाराज मन बैठे रही थे, पर प्रकांड पंडित कही थन का नहीं कहा, महाराज जी प्रणाम कही थन। मैं शुरू में ही बोले हूँ कि रामचरित मानस के भी आज संपूर्ण ज्ञाता नहीं बोले, वैसे हम लोग कोई दिखते का महाराज मन है कि आज हर एक वेद शास्त्र के वो संपूर्ण ज्ञाता है, पर रावण ला का कहेगी, रावण ला प्रकांड पंडित कहेगी सुकरे स्थिति कि हर हर ज्ञान के ओला संपूर्ण जानकारी है, हर शास्त्र के ओला संपूर्ण जानकारी है, पर वो का के स्थिति होकर पतन होगी, सिर्फ अभिमान। अब वो यही बोली कि मैंने सीता को हर लिया, तो भाई ये भवसागर के दहरम जाके तू मर भी लिया होकर स्थिति भरे ना। ऐसन रावण रूपी मैं ल छोड़ के हम सब एक रहा, हमार आसपास के समाज है वातावरण है वे ओला छोड़ करके सबसे पहले अपन घर घर परिवार ल सुधारो। घर परिवार अगर सुधर गया आपके तो समाज अच्छा ही बनेगी। अब आजकल महतारी मन हा अगर नहीं घुसे हो तो एक ठन बात ल बताऊं, घुसे हो का नहीं घुसे आओ ना है ना, नहीं घुसे आओ बाबा मन ल मैं बाद में बताऊं फिर महतारी मन ल पहली बताऊं। चलो एकदम ईमानदारी से बताना ना, रामचरित मानस के पावन दरबार में बैठे हैं काकर काकर कर टच के मोबाइल में, चलो बताओ हाथ उठाओ के जन कर काकरों को नहीं है टच के मोबाइल नहीं है काकरों को नहीं है, वो देख दाई कर हवे अब बाबा मन कर हवे नहीं है टच के मोबाइल हवे नहीं का नहीं है ले की पेड़ वाले जमाना में हवन कथे भाई, बात तो होते छे दूरदर्शन लगे कैसे अब बात तो होते छे की पेड़ के मोबाइल रहे चाहे टच के मोबाइल रहे, तारी मन पर ताली बजाओ भाई इकर मन कर टच के मोबाइल नहीं आओ फिर टच हवे कि नहीं है हवे टच हवे है काकर काकर बीच में हवे नहीं है नहीं है टच नहीं है टच के मोबाइल जरूर धरे हो आज तुमन टच के मोबाइल नहीं है कहा तो ए गुड़िया ते देखा था ना मोला लुक एट मी हाँ ते हा तो लच कहा था ते जब मैं जहू ना गुड़िया तो सबके मोबाइल ला धरबे ओ मोर देबे पहिले मैं लेबो लेबो भाई ना आओ कहते हो देख वो जो मोबाइल है ना महतारी हो घुसियाए वाले बात नहीं है जो आज के समसामायिक बात है उकरे ऊपर चर्चा करत हन मोबाइल टच वाले तुहन तो धरे नहीं देखा भाई तोर मोबाइल ए दे ऐसन वाले मोबाइल एला कही थे टच अरे नहीं पर ये टच का हरे टच स्पर्श बोला कथे टच है ना पर आज एक महतारी और ओकर बेटी के बीच में टच नहीं है और कैसे नहीं है टच महतारी का कहा थे मालूद के आखिरी महाड्डा ने एक ठन डोली है जी हां वो बड़े अब्बड़ कने चना चना देखे हम मन में गेहूं घलो हम टिंकल ए गुड्डी के नाम टिंकल है ना टिंकल लग हैं टिंकल मालूद के मानस ल होन दे ताना मन चना टोरबो कह के तो वो खेत में जब कमाए ले जाते कोई भी महतारी है तो अपन बेटी ला का कही थी देख बेटी मैं खेत डहन ले आवत हूं तेहा एक अल्लाह बाहर के रख पे और एक कंतोर बाबू बहुत गरान देवे कथे कथे के नहीं कहे और कही गए वो जल्दी सो चना के खेत में बिचारी दिन भर वहां नींद डरीस और जे पाके पाके चना रहीस ते लू घलो डरीस सब घर आ गया
अब बेटी का करत है, वो भात ल नहीं रांधीस, वो कर ल नहीं बहरीस, और वो बैठे है का करत है, मस्त ईयरफोन लगा है, टच के मोबाइल भरे है, अब बैठ के मस्त देखत है, यूट्यूब देखत है, व्हाट्सएप चलाते, इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, एकरे जमाना है ना। टच के मोबाइल ला धर के ओहर वो महतारी के बात ला नहीं सुनीस, तो का टच है का उकर महतारी के बीच में नहीं है। आज सास और बहू के बीच में टच नहीं है, आज बाप और बेटा के बीच में भी टच नहीं है। बाप कही थे आज बेटा नांगर ला फान देवे तो बड़े जन बाबू मन है, तो वहां इससे घर में इससे लगाए रहे, इससे लगे रहते नहीं, ब्लूटूथ लगाए रहते, ओला लगा के बेटा हा बैठे रहते, बाप हा चिल्लाते, ससुर चिल्लाते, फिर कोई सुनने वाला है का? नहीं, कोई टच नहीं है काकरो बीच में, ना बहू और सास के बीच में, ना बाप और बेटा के बीच में है। एक टच मुख्य कारण है आज हमर मन के बीच से, ये हमर रामचरितमानस जैसे संस्कृति पावन ग्रंथ इला नहीं पढ़े। आधुनिकता के युग में हम आज जियत हन, बिना मोबाइल के काम नहीं हो। पहली मन है न्योता ला दे बर जाए ना, तो कारड ल छपाए और कारड ल धर के जाए, और जे कारड नहीं छपाए ना, वो चौर हरदी धर ले और वो टीका लगा के अपन न्योता ल दे के आ जाए। पर आज आज तो ते एक जगह कोई भी चीज ल पोस्ट करा था, लिखा रही से मालूत में आज कार्यक्रम होना है, और कार्यक्रम में फला फला मंडली ल इतना बजे बैठना है, और दीदी तो इतनी बजे बैठना है, क्योंकि मैं अपन नाम ल देखे वो आ गया। कारड की जरूरत पड़ीस का? नहीं पड़ीस। ऐसा नहीं, ये टच के जमाना है, जेकर हम लोग सदुपयोग करना है, पर वो टच ला लेके अपन माँ बाप के बीच में भी रहना है। अब नहीं सुनबे तब पारित सबके लगे है, आज मोर सन में हुई, कल तुहरो मन सन में हुई, अब काला सीखो के जाबो। तैयार बात ला बैया लगे कही कही थे ना, वो गलत बात है, तैयार बात ला बैया बैया कभू नहीं लेख सके। आज रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ ला हम फुला पठेरम बड़ा दे रहे हैं, पर फुला पठेरम बड़ाए खरी का नो है। कम से कम एक चौपाई तो हो, एक बार अध्ययन करके देखो संतों, आप सबके जीवन हतर जाए। देखकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी, एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी में कितना मिनट? एक घड़ी में 24 मिनट होते सज्जनों, अब एक घड़ी भी अगर आप उला समय नहीं मिलत है तो आधा घड़ी में 12 मिनट, अब 12 मिनट भी यदि घड़ी नहीं मिलत है, पुनी यादों के याद सिर्फ 6 मिनट 6 सेकंड तो निकाल सकते हो। तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। राम के चर्चा ला ऐसे हम बाहर में ही बोलबो तभे हमर जीवन सार्थक हो, ऐसे है का? नहीं है। श्रद्धा विश्वास रखो और अपन मन में भगवान के भजन ला करत रहो। ऐसन दुनिया भर के जितना भी राजनीति के बात है वे जिला माता तारा हा जाने, आज जितना बात ला हम करत हन ना, ओला माता तारा हा बहुत अच्छा से जाने। तेकर सिती तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हर दो लाइन में ही, और ऐसा दो लाइन में समझने वाला वो पहली महिला है जेला भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोली इसकी सिती छिति जल पावक गगन समीरा और पंचरति अति अधम शरीरा। माता तारा जो है वो आसक्ति के प्रतीक है, माता आसक्ति के प्रतीक है, मुख्य बोला आसक्ति पर ही जाने जाते। आवन एक भजन पुष्प पश्चात प्रसंग की ओर पुनः चल, बोली लखन सिया रामचंद्र की ज।